हेलो बच्चों, सो टुडे वी स्टार्ट द रिप्रोडक्टिव हेल्थ सम क्वेश्चन प्रैक्टिस। ओके सो चलिए कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ का, जो कि हमने ऑलरेडी ख़त्म कर चुके हैं एनसीईआरटी से। ठीक है चलिए। सो द फर्स्ट नेशन इन द वर्ल्ड टू इनिशिएट वेरियस एक्शन प्लान्स एट नॉर्मल लेवल सॉरी एट नेशनल लेवल्स टूवर्ड्स अटेनिंग ए रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी डिटेल्स। सो हु इज द फर्स्ट कंट्री और फर्स्ट नेशन? सो इसका जो आंसर हो जाएगा इंडिया। ओके सो इंडिया वॉज एमोंग द फर्स्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड टू इनिशिएट वेरियस एक्शन प्लान्स एट नेशनल लेवल टूवर्ड्स अटेनिंग ए रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी। ठीक है सो द राइट आंसर इज ए, चाइना इज नो, USA ऑल्सो नो, नॉर्वे इज ऑल्सो नो। सो इंडिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फर्टाइल कपल शुड बी मेड अवेयर ऑफ ऑल द फॉलोइंग एस्केप डेस। अच्छा सो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है कि फर्टाइल कपल शुड बी मेड अवेयर, फर्टाइल कपल को अवेयरनेस रहना चाहिए एस्केप्ड किसको ने, मतलब ये जो ऑप्शन दिया है हमें चार ऑप्शन फॉलोइंग एस्केप्ट। ठीक है चलिए चेक करते हैं। बात कंट्रोल एंड मेजर, ठीक है ये तो अवेयरनेस होना चाहिए। सेक्स डिटर्मिनेशन बाय टेस्टिस लाइक एमनियोसिंथेसिस, प्रिवेंशन ऑफ एसटीडीएस, इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग एंड केयर ऑफ प्रेगनेंट मदर। सो यहाँ पर जो एस्केप्ट मांगा है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज सेक्स डिटर्मिनेशन बाय टेस्टिस लाइक एमनियोसिंथेसिस। ओके सो मेनली जो फर्टाइल कपल अवेयरनेस होना चाहिए किसके बारे में अवेयरनेस होना चाहिए, बात कंट्रोल मेजर के बारे में, प्रिवेंशन ऑफ एसटीडीज के बारे में, इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग एंड केयर ऑफ प्रेगनेंट मदर, बट सेक्स डिटर्मिनेशन बाय एमनियोसिंथेसिस इज नॉट हैपन। सो द राइट आंसर इज सी बी। ठीक है सो क्वेश्चन नंबर टू का राइट आंसर बी हो जाएगा, सेक्स डिटर्मिनेशन बाई टेस्टिस लाइक एमनियोसिंथेसिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री इज योर, अकॉर्डिंग टू द WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन रिप्रोडक्टिव हेल्थ मीन्स ए टोटल वेल बींग इन ऑल एस्केप्ट ऑफ रिप्रोडक्शन दैट इज डेथ, फिजिकल, सोशियल, इमोशनल एंड बिहेवियरल ऑल ऑफ दिज। ओके सो अकॉर्डिंग टू WHO रिप्रोडक्टिव हेल्थ मीन्स टोटल वेल बींग इन ऑल एस्केप्ट ऑफ रिप्रोडक्शन दैट इज फिजिकल, सोशियल, इमोशनल एंड बिहेवियरल। ठीक है सो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है ऑल ऑफ दी अबव हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है चलिए नेक्स्ट को चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर इज योर, द फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम वेयर पीरियोडिकली असिस्टेड ओवर द पास्ट डिकेड्स इम्प्रूव्ड प्रोग्राम कवरिंग वाइडर रिप्रोडक्टिव रिलेटेड एरिया आर करेंटली ऑन ऑपरेशन अंडर दैट इज RCH प्रोग्राम। ओके RCH प्रोग्राम यानी कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड सॉरी रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। ठीक है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बट ऑप्शन बी इज AR2 प्रोग्राम्स, AR2 प्रोग्राम्स नहीं होगा। MTP मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी ये भी नहीं होगा, टेस्ट ट्यूब बेबी ये भी नहीं होगा। ठीक है सो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए। ठीक है चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन को चेक कर लेते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हियर दैट क्वेश्चन नंबर फाइव, व्हिच वन इज नॉट लेगिटिमेट फॉर रिड्यूसिंग बर्थ रेट। ओके व्हिच वन इज नॉट लेगिटिमेट दैट फॉर रिड्यूसिंग बर्थ रेट, बैन ऑफ मैरिज, MTP, यूज ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव, लेट मैरिज। ओके सो यहाँ पर नॉट लेगिटिमेट पूछा है ना, नॉट लेगिटिमेट फॉर रिड्यूसिंग बर्थ रेट। सो बेन ऑफ मैरिज इज नॉट द लेगिटिमेट ऑफ रिड्यूसिंग ऑफ बर्थ रेट, बट MTP, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, यूज ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव, लेट मैरिज, दीज आर द रिड्यूसिंग बर्थ रेट, बट बेन ऑफ मैरिज इज नॉट द प्रोसेस। ठीक है चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर सिक्स चेक करके, फुल फॉर्म ऑफ RCH। सो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ RCH? RCH इज द रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। ओके सो व्हाट इज RCH? सो RCH इज नथिंग बट दी रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। ओके सो फुल फॉर्म ऑफ RCH इज द रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। व्हाट इज द मेजर टास्क? देन क्वेश्चन नंबर सेवन, व्हाट इज द मेजर टास्क अंडर RCH प्रोग्राम? ओके
सो आरसीएच प्रोग्राम मेजर टास्क इज द क्रिएटिंग अवेयरनेस एमंग पीपल अबाउट वेरियस रिप्रोडक्शन रिलेटेड एस्केप्ट, सही है, प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज एंड सपोर्ट फॉर बिल्डिंग अप ए रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी, ये भी सही है, बोथ एंड बी। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बोथ एंड बी, ठीक है, बिकॉज जो कि मेजर टास्क अंडर आरसीएच प्रोग्राम, आरसीएच का मेजर टास्क क्या है, क्या है कि क्रिएटिंग अवेयरनेस अमंग पीपल ऑफ वेरियस रिप्रोडक्टिव रिलेटेड एस्केप एंड प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज एंड सपोर्ट फॉर बिल्डिंग अप ए रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी। ओके, देन नेक्स्ट इज द क्वेश्चन नंबर 8 हियर। प्राइमरी स्टेप दैट कैन बी टेकन टूवर्ड्स अटेनिंग रिप्रोडक्टिव हेल्थ आर दिस। सो प्राइमरी स्टेप क्या होना चाहिए, काउंसलिंग एंड क्रिएटिंग अवेयरनेस अमंग पीपुल अबाउट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एडोलेसेंस एंड एसोसिएटेड चेंजेस, सही है, सेफ एंड हाइजीनिक सेक्सुअल प्रैक्टिस, ये भी सही है, क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट एसटीडीज इंक्लूडिंग एड्स एटसेट्रा, बैन ऑफ एमटीपी एंड एमिनोसेंसिस। सो यहाँ पर क्या पूछा है हमें, प्राइमरी स्टेप, सो प्राइमरी स्टेप आर दीज थ्री आर द प्राइमरी स्टेप, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ए बी सी। ओके, बिकॉज बैन एंड एमटीपी ऑफ एमिनोसेंसिस इज नॉट द प्राइमरी स्टेप, ठीक है, चलिए देन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 हियर। वन ऑफ द फॉलोइंग कॉजेस ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, ओके, सो यहाँ पर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का कॉजेस हमें करेक्ट करना है कि डिक्रीज इन डेथ रेट, मेटरनल मोर्टेलिटी रेट एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, देन डिग्रीज इन डेथ। अच्छा, 9 नंबर क्वेश्चन का यही ही सही आंसर हो जाएगा, क्यों होगा हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। सो 9 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, ए। अच्छा, बाकी ऑप्शन को चेक कर लेते हैं, डिक्रीज इन डेथ रेट, अच्छा हमारा डेथ रेट क्या डिक्रीज हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो ऑप्शन बी रॉन्ग हो जाएगा। डिक्रीज इन इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, नो इन एंड इंक्रीज इन डेथ रेट, ये भी ऑप्शन गलत है, डिक्रीज इन इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट एंड डिक्रीज इन द नंबर ऑफ पीपल इन रिप्रोडक्टिव एज, नो ये भी गलत है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि प्रोबेबल रीजन फॉर रिप्रोडक्टिव एक्सप्लोजन मेनली ए रैपिड डिक्लाइन इन डेथ रेट, डिक्लाइन इन एमएमआर दैट इज डिक्लाइन इन मेटरनल मोर्टेलिटी रेट एंड डिक्लाइन इन आईएमआर दैट इज डिक्लाइन इन इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट एंड एन इंक्रीज इन नंबर ऑफ पीपल इन रिप्रोडक्टिव एज। ओके, सो दीज आर द फोर रीजन फॉर रिप्रोडक्टिव एक्सप्लोजन, ठीक है। सो यहाँ पर हमारा हमारा ऑप्शन ए ही एक आंसर जो कि यहाँ पर गिवन है कि डिक्रीज इन डेथ रेट, मेटरनल मोर्टेलिटी रेट एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, इसीलिए 9 नंबर का आंसर ए ही करेक्ट है, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 10, व्हिच हैज एन एक्सप्लोजन इम्पैक्ट ऑन ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, व्हिच हैज एन एक्सप्लोजन इम्पैक्ट ऑन द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, इंक्रीज हेल्थ फैसिलिटी, बेटर लिविंग कंडीशन, बोथ बी एंड सी। यहाँ पर बोथ बी एंड सी आंसर हो जाएगा, क्यों, बिकॉज यहाँ पर पूछा है कि नहीं एक्सप्लोसिव, यहाँ पर क्या पूछा है, एक्सप्लोसिव इम्पैक्ट ऑन द ग्रोथ एंड पॉपुलेशन। सो अगर हम एक्सप्लोसिव बेटर लिविंग कंडीशन एंड इंक्रीज हेल्थ फैसिलिटी हैज एन एक्सक्लूसिव इम्पैक्ट इन द ग्रोथ ऑफ द पॉपुलेशन, ठीक है, यहाँ पर बोथ बी एंड सी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द क्वेश्चन नंबर 11, द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। ओके, यहाँ पर हमें पॉपुलेशन एक्सप्लोजन पूछा है, इस किसका, ओवरकम ऑफ मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप, ओके, टू सेचुरेटरी बैन ऑन एमनियोसिंथेसिस, टू सेचुरेटरी बैन ऑन मैरिज, टू मोटिवेट स्मॉलर फैमिली बाई वेरियस कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, ऑल ऑफ द एबव, ठीक है। सो यहाँ पर हमें मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप टू ओवरकम पूछा है, किसका, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, नॉट एक्सप्लोसिव, ठीक है। सो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टू मोटिवेट स्मॉलर फैमिली बाई वेरियस कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, ठीक है, टू सेचुरेटरी, बाकी ऑप्शन गलत हो जाएगा, बिकॉज टू सेचुरेटरी बैन ऑफ एमनियोसिंथेसिस, इसका कोई पॉपुलेशन एक्सप्लोजन नहीं है, बैन ऑफ मैरिज इज नॉट द प्रोसेस ऑफ द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, ठीक है। सो इसलिए 11 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज टू मोटिवेट स्मॉलर फैमिली बाय वेरियस कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 12, द प्रॉब्लम ऑफ द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कैन ऑल्सो बी टैक्ड बाई डैश, सो द प्रॉब्लम ऑफ द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कैन ऑल्सो बी टैक्ड बाय सेचुरेटरी रेज, ठीक है। सो यहाँ पर क्वेश्चन जो कि 12 नंबर, द प्रॉब्लम ऑफ द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कैन बी टैक्ड बाय सेचुरेटरी रेजिंग ऑफ मैरिजेबल एज ऑफ द मेल टू 21 ईयर्स एंड दैट ऑफ फीमेल इन 18 ईयर्स,
इंसेंटिव्स गिवन टू द कपल्स विथ स्मॉल फैमिलीज सेजुलेटरी बैन ऑफ मैरिज बोथ ए एंड बी। सो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। ये जो अच्छा बोथ एंड बी हो जाएगा, क्यों क्यों? अच्छा चलिए, बिकॉज अच्छा ये जो 12 नंबर क्वेश्चन सिमिलरली हो गया 11 के साथ, ठीक है। सो द प्रॉब्लम ऑफ पॉपुलेशन एक्सक्लूजन यहाँ पर पूछा है, नॉट एक्सक्लूसिव, ठीक है। सो सैचुरेटेड एजिंग ऑफ मैरिजेबल एज ऑफ द मेल 21 करेक्ट है एंड फीमेल 18, ये भी करेक्ट है। इंसेंटिव हैज गिवन टू द कपल्स विथ स्मॉल फैमिली, हमें मोटिवेट करना चाहिए स्मॉल फैमिली विथ वेरियस कॉन्ट्रसेप्टिव मेथड के बारे में। बट सैचुरेटेड बैन ऑफ मैरिज इज नॉट अ पॉपुलेशन एक्सक्लूजन, ओके। सैचुरेटेड बैन ऑफ मैरिज इज नॉट अ पॉपुलेशन एक्सक्लूजन एक्सक्लूजन कॉजेस, ठीक है। इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बोथ ए एंड बी, ठीक है। देन नेक्स्ट इज दी सहेली एंड ओरल कंट्रासेप्टिव फॉर फीमेल वॉज डेवलप्ड बाई डैश। सो हमने यहाँ पर सहे जो ऑप्शन दिया है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, CDRI लखनऊ, ओके। सो सहेली एंड ओरल कंट्रासेप्टिव फॉर फीमेल वॉज डेवलप्ड बाई CDRI लखनऊ, ठीक है। हुई इज वन से वीक पिल, ओके। अच्छा 30 नंबर क्वेश्चन का जो ABC ऑप्शन नहीं होगा, एम्स दिल्ली, IIC भी कलकत्ता, यहाँ ये सब ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 14, विच इज वंस ए वीक पिल। सो वंस ए वीक पिल इज दी आवर सहेली, ओके। सहेली हुई इज ए नॉन स्टेरॉयडल, ठीक है। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15, फाइंड आउट द करेक्ट मैचिंग। नॉन मेडिएटेड IUDS लिपिस लूप, एब्सोल्यूटली करेक्ट। कॉपर लूजिंग IUDS कॉपर टी, कॉपर 7 एंड LNG2, यहाँ पर गलत हो गया। LNG20 इज नॉट ए कॉपर लूजिंग IUDS, LNG20 इज ए हॉर्मोन लूजिंग IUDS। देन नेक्स्ट इज द हार्मोन रिलीजिंग IUDS इज प्रोजेस्टेरोन एंड मल्टीलोड 375। नो, यहाँ पर मल्टीलोड 375 इसका भी ये भी यहाँ पर गलत दिया है, बिकॉज मल्टीलोड 375 इज दी कॉपर रिलीजिंग IUDS, ठीक है। सो इसलिए 15 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज नॉन मेडिएटेड IUDS इज ए लिफ्यूज लूप, ठीक है। चलिए उसके बाद आप 15 नंबर अच्छे से समझ आ रहे हैं ना कि कॉपर रिलीजिंग क्यों नहीं है LNG20, बिकॉज LNG20 दैट इज लेवेनोजेस्टरल 20 इज ए हार्मोन रिलीजिंग IUDS, इट इज नॉट ए कॉपर रिलीजिंग IUDS। यहाँ पर कॉपर रिलीजिंग IUDS में गिवन है, इसलिए ऑप्शन बी इनकरेक्ट हो गया। हार्मोन रिलीजिंग IUDS जो कि गिवन है यहाँ पर मल्टीलोड 375, मल्टीलोड 375 एक हार्मोन रिलीजिंग नहीं है, मल्टीलोड 375 एक कॉपर रिलीजिंग IUDS जो कि गिवन है हार्मोन रिलीजिंग में, इसीलिए ऑप्शन सी भी गलत हो गया। बाकी ऑप्शन डी जो कि ऑल ऑफ द अबव, इसका तो कोई मीनिंग ही नहीं है। सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 16, व्हिच इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव, ओके। सो व्हिच इज नॉट द करेक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव, दैट इज आर इजीली अवेलेबल कोइटस इंटरप्टस रिवर्सिबल लिस्ट साइड इफेक्ट, ओके। सो व्हिच इज यहाँ पर पूछा है नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स, सो कौन सी रिवर्सिबल इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव, ओके, ठीक है। सो यहाँ पर सी इज द राइट आंसर। देन नेक्स्ट इज द क्वेश्चन नंबर 17, इन ट्यूबेक्टॉमी ए स्मॉल पार्ट ऑफ द फेलोपियन ट्यूब इज रिमूव्ड और टाइड अप इज थ्रू डैश वजाइना यूट्रस ए स्मॉल इंसिजन इन द एब्डोमेन आइदर ए एंड सी। अच्छा, सो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा आइदर ए एंड सी, व्हाई? बिकॉज जो ट्यूबेक्टॉमी करता है, ओके, जो कि स्टेरिलाइजेशन प्रोसीड्योर, ओके, एक ट्यूबेक्टॉमी, व्हाट इज ट्यूबेक्टॉमी, ट्यूबेक्टॉमी एक स्टेरिलाइजेशन प्रोसीड्योर इन फीमेल, ओके, जो कि एक स्मॉल पार्ट ऑफ द फेलोपियन ट्यूब इज रिमूव्ड और टाइड अप, दैट इज कॉल्ड ट्यूबेक्टॉमी, ओके। अच्छा, ट्यूबेक्टॉमी अप टू थ्रो वजाइना और इन स्मॉल इंसिजन ऑफ द एब्डोमेन। सो यहाँ पर ए भी ए पर वजाइना दे रखा है, यूट्रस तो नहीं होगा, ए स्मॉल इंसिजन ऑफ द एब्डोमेन। सो इसीलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, आइदर ए एंड सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, ए कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। सो क्वेश्चन नंबर 18 क्या गिवन दिया है कि ए कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स इन विच द कपल्स एवॉयड और एब्सटेन फ्रॉम कोइटस फ्रॉम डे 10 टू 17 ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल व्हेन ओव्यूलेशन कुड बी एक्सपेक्टेड इज कॉल्ड डैश।
लैक्टेशनल एमनोरिया, ओके सो यहाँ पर गिवन है लैक्टेशनल एमनोरिया, इट इज रॉन्ग, सो द राइट आंसर इज द पीरियोडिक एबिस्टेंस, ओके। लैक्टेशनल एमनोरिया क्या है? लैक्टेशनल एमनोरिया जो कि बेबी का कॉन्सीव होने के बाद लैक्टेशनल एमनोरिया उसे हम कहते हैं, जो कि 6 मंथ्स के लिए इफेक्टिव है, ठीक है। बट पीरियोडिक एबिस्टेंस इज योर डेट 10 to 17 ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, इट अवॉइड टू एब्सटेंट फ्रॉम द डे, इट अवॉइड और एब्सटेंट टू कोइटस, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर सी एंड डी यहाँ पर गलत हो जाएगा, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ IUDs? सो IUDs का फंक्शन क्या है? इनहिबिट ओव्यूलेशन, इंक्रीज फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म, इनहिबिट फर्टिलाइजेशन, बोथ विलिंगसी। अच्छा, सो IUDs क्या है? इंट्रा यूटराइन डिवाइसेस, जो कि एक कंट्रासेप्टिव डिवाइसेस है। इसका फंक्शन क्या क्या है, इसे हमें पूछा है, ठीक है। सो IUDs का जो फंक्शन, इनहिबिट ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन का इनहिबिट करता है, इनहिबिट करता है क्या ओव्यूलेशन का? नहीं। इंक्रीज फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म, ठीक है, सही है। इनहिबिट फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन को इनहिबिट करता है, ये भी सही है। सो यहाँ पर बोथ बी एंड सी जो ऑप्शन इज द राइट, बिकॉज जो फंक्शन होता है IUDs का, फंक्शन क्या है IUDs का, दैट इज फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म एंड इनहिबिट द फर्टिलाइजेशन, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 20, इट इज सहेली ए न्यू ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर फीमेल डेवलप्ड बाय डैश, ओके। सो सहेली एक न्यू ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, जो कि मेनली डेवलप्ड नॉन स्टेरॉयडल प्रिपेरेशन, ओके। सहेली एक नॉन स्टेरॉयडल प्रिपेरेशन है, जो कि लखनऊ में, CDI लखनऊ में डेवलप किया था, ठीक है। देन नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 21, निरोध इज ए पॉपुलर ब्रांड ऑफ डैश, ओके। निरोध इज ए पॉपुलर ब्रांड ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव पिल फॉर द फीमेल, एमरजेंसी IUDs फॉर फीमेल, कॉन्डम्स फॉर फीमेल्स, कॉन्डम फॉर मेल्स, ओके। सो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज कॉन्डम्स फॉर मेल्स, ओके। देन द बाथ कंट्रोल डिवाइसेस यूज बाय ओमेन इज अ डैश, बाथ कंट्रोल डिवाइसेस यूज बाय ओमेन इज अ डैश, बाथ कंट्रोल पूछा है यहाँ पर, ठीक है। डायफ्राम, कॉन्डम, कॉपर टी, ऑल ऑफ द अबव, सो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। देन नेक्स्ट इज द स्पर्मिसाइडल क्रीम जेलीज एंड फॉर्म्स आर यूजुअली यूज अलॉन्ग विथ ए बैरियर मेथड, ठीक है। सो यहाँ पर पूछा है कि स्पर्मिसाइडल क्रीम जेली एंड फॉर्म्स आर यूजुअली यूज अलॉन्ग विथ ए बैरियर मेथड टू इंक्रीज देयर कॉन्सेप्शन एफिशियंसी, ओके। सो स्पर्मिसाइडल क्रीम जेलीज एंड फॉर्म्स आर यूजुअली यूज अलॉन्ग विथ ए बैरियर मेथड टू इंक्रीज देयर कॉन्सेप्शन एफिशियंसी, डिक्रीज दर कॉन्ट्रासेप्टिव एफिशियंसी, इंक्रीज दर कॉन्ट्रासेप्टिव एफिशियंसी, प्रोवाइड मोटिलिटी ऑफ स्पर्म, ठीक है। अच्छा, सो ये जो स्पर्मिसाइडल क्रीम जेलीज फॉर्म्स, व्हाट इज दीज आर मेनली बैरियर मेथड, ठीक है। अच्छा, इसका फंक्शन क्या है? अगर हम देखें तो इसका फंक्शन है जो कि इंक्रीज कर देता है, मतलब स्पर्मिसाइडल दीज आर यूजली यूज अलॉन्ग विथ ए बैरियर मेथड टू इंक्रीज देयर कॉन्ट्रासेप्टिव एफिशियंसी, ठीक है। सो यहाँ पर इंक्रीज देयर कॉन्सेप्शन एफिशिएंसी ये तो नहीं होगा, डिक्रीज तो नहीं होगा, इंक्रीज देयर कॉन्ट्रासेप्टिव एफिशिएंसी ये करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट योर, इंक्रीज देयर कॉन्ट्रासेप्टिव एफिशिएंसी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, इम्प्लांट्स अंडर द स्किन व्हेन यूज्ड एज कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड दैट इज कॉल्ड एज डैश आर फ्री फ्रॉम साइड इफेक्ट्स ऑफ स्टेरॉइड्स, प्रोवाइड लॉन्गर इफेक्टिव पीरियड, एक्ट डिफरेंटली फ्रॉम पिल्स, एक्ट एज ए बैरियर मेथड। सो ये जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो कि इम्प्लांट्स हम पढ़ाते हैं, इम्प्लांट्स क्या है? प्रोवाइड लॉन्गर इफेक्टिव पीरियड, ओके, प्रोवाइड लॉन्गर इफेक्टिव पीरियड, ठीक है। सो देन क्वेश्चन नंबर 25, डायाफ्राम सर्वाइवल कैप्स एंड वॉल्व्स प्रोवाइड कॉन्ट्रासेप्शन बाय डैश। अच्छा, डायाफ्राम सर्वाइवल कैप्स एंड वॉल्व्स प्रिवेंट कॉन्ट्रासेप्शन बाय इंक्रीज फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म विद इन यूट्रस, सप्रेसिंग स्पर्म मोटिलिटी, इनहिबिट ओव्यूलेशन एंड इम्प्लांटेशन, ब्लॉकिंग द एंट्री ऑफ स्पर्म थ्रू द सर्विक्स। सो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर, बिकॉज द डायाफ्राम एंड सर्वाइवल कैप्स एंड वॉल्व्स मेनली क्या करता है? प्रिवेंट करता है कंसेप्शन बाय ब्लॉकिंग ऑफ एंट्री ऑफ स्पर्म थ्रू द सर्विक्स, ठीक है। बट हियर इंक्रीज फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म, नो, डायाफ्राम नॉट इंक्रीज द फैगोसाइटोसिस, डायाफ्राम मेनली ब्लॉकेज का इसका, ठीक है।
सो ब्लॉकेज का मेले काम करता है, ठीक है। सी सो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 25। द नेक्स्ट इज द क्वेश्चन नंबर 26। कॉपर आयन्स रिलीज फ्रॉम द कॉपर रिलीजिंग आयोडीएस टू डेस सप्रेस फॉर मोर्टिलिटी मेक यूट्रस अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन सप्रेस फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ स्पर्म मेक मेक सर्विक्स हॉस्टाइल टू स्पर्म, ठीक है। सो यहाँ पर जो ऑप्शन दिया है हमें, अच्छा ए एंड बी, चलिए सप्रेस स्पर्म मॉडल। अच्छा पहले हम चेक पहले हमें चेक करना चाहिए कि कॉपर आयन्स रिलीज फ्रॉम द कॉपर रिलीजिंग आयोडीएस मेनली दैट इज सप्रेस परमोटिलिटी। अच्छा कॉपर आयन सप्रेस परमोटिलिटी एब्सोल्युटली करेक्ट। मैक्स यूट्रस अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन, नो ये गलत हो गया कि यूट्रस को अनसुटेबल नहीं करता है। सप्रेस फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ स्पर्म ये सही है। मैक्स सर्विक्स हॉस्टाइल टू स्पर्म, सो यहाँ पर ए एंड सी करेक्ट हो गया एंड बी एंड डी। सो यहाँ पर हमें पूछा है अच्छा कॉपर आयन रिलीज फ्रॉम, अच्छा तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा दैट इज ए एंड सी व्हिच इज सप्रेस परमोटिलिटी एंड सप्रेस फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ द स्पर्म, ठीक है। चलिए उसके बाद वॉल्ट्स प्रिवेंट कॉन्सेप्शन ऑफ डेस, ओके। सो वॉल्ट्स प्रिवेंट मेनली कॉन्सेप्शन ऑफ द डेस। सो वॉल्ट्स प्रिवेंट कॉन्सेप्शन ऑफ दैट इज फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म रिलीजिंग हॉर्मोन्स किलिंग ओवम ब्लॉकिंग द एंट्री ऑफ द स्पर्म, ठीक है ब्लॉकिंग द एंट्री ऑफ द स्पर्म। सो यहाँ पर जो करेक्ट हो जाएगा दैट इज 27 का दैट इज ब्लॉकिंग द एंट्री ऑफ स्पर्म, ओके। वॉल्ट्स मेनली किसे प्रिवेंट करता है ब्लॉकिंग द एंट्री ऑफ द स्पर्म, ठीक है। देन नेक्स्ट इज द क्वेश्चन नंबर 28। Which of the following is an ideal contraceptive for the female who want to delay pregnancy or space children? Okay, so which one is the ideal contraceptive that is called as जो कि famous intrauterine devices that is IUDs. Okay, so an ideal contraceptive for the female who want to delay pregnancy or space children are intrauterine devices that is IUDs. Okay, then next question 29. Oral contraceptive pills have DES, okay. So oral contraceptive pills have progesterone alone, estrogen alone, progesterone estrogen combination or either A and C. अच्छा so यहाँ पर जो कि answer हो जाएगा कि जो कि एक oral contraceptive pills में कौन से present था है? Sorry, मतलब oral contraceptive pills जो कि कौन से hormone present होगा कि progesterone और प्रोजेस्ट्रोजन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन, यहाँ पर आइदर ए एंड सी है सी हो जाएगा, ओके। सो प्रोजेस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रोजन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स में गिवन होगा, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 30, सो हियर क्वेश्चन नंबर 30 इज गिवन दैट इज इम्प्लांट्स अंडर द स्किन एंड इंजेक्शन आर ऑल्सो यूज एज कंट्रासेप्टिव डिवाइस दीज डिवाइस आर डैश। अच्छा सो यहाँ पर गिवेन है कि इम्प्लांट्स जो कि स्किन स्किन के अंडर एंड इंजेक्शन आर ऑल्सो यूज एंड कंट्रासेप्टिव डिवाइस दिस डिवाइस आर कॉल्ड डैश। अच्छा दिस डिवाइस आर हैव डैश मीन्स प्रोजेस्ट्रोजन एलोन और ईस्ट्रोजन एलोन और प्रोजेस्ट्रोजन ईस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन आइदर ए एंड सी आइदर ए एंड सी के मतलब प्रोजेस्ट्रोजन एलोन और प्रोजेस्ट्रोजन ईस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन। सो यहाँ पर भी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी आइदर मतलब प्रोजेस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रोजन ईस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही है। 30 क्वेश्चन आज हम प्रैक्टिस किया है, ठीक है। इसका जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा मतलब रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो कि क्वेश्चन लेक्चर नंबर 2 उसे हम 30 के बाद हम प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई से दैट सब्सक्राइब करो, ओके। चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो एंड अपने फ्रेंड के पास शेयर करो, ठीक है। सो चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। टेक केयर, बाय।